बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल और करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं सुभान फूड सीक्रेट्स यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, आज हम आपके लिए जो रेसिपी बनाने जा रहे हैं ये पख्तून कल्चर की रेसिपी है। ये जो काबली पुलाव है ये बहुत कम मिसालों से बनके तैयार होता है, कोई झंझट नहीं है, बिल्कुल आसान है इसको बनाना। सिर्फ दो एक चीजों से ये काबली पुलाव जो है वो बनके रेडी हो जाता है। और ये जो काबली पुलाव है ना, ये किसी की फरमाइश पे बनाया जा रहा है, मुझे उम्मीद है कि वो भी बहुत पसंद करेंगे और इंशाल्लाह आप भी इसे जरूर पसंद करेंगे। वीडियो को कंटिन्यूसली देखते रहिएगा, स्किप बिल्कुल भी ना करिएगा, ताकि आपको इसकी अच्छे से समझ आ सके। बहुत सी टिप्स एंड ट्रिक्स इस काबली पुलाव के हवाले से मैं आपके साथ शेयर करूंगी, वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं, बिना वक्त जाया किए जबरदस्त से और शानदार से काबली पुलाव की रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। ये ले जी, यहाँ पर इस काबली पुलाव को बनाने के लिए यहाँ पर हमने लिया है सबसे पहले ये 1 kg हमारे पास बीफ का गोश्त है। आप इस काबली पुलाव को बीफ में भी बना सकते हैं, मटन में भी बना सकते हैं और चिकन में भी बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है। और काबली पुलाव में बीफ की जो क्वांटिटी है वो डबल जाती है। 1/2 kg हमने राइस लिए हैं, इसलिए हम इसमें 1 kg बीफ ऐड करेंगे। और यहाँ पर दूसरी तरफ गैस पे रखेंगे हम सबसे पहले 1 अदद कड़ाही, और इसमें हम ऐड करेंगे ये 1/2 कप हमारे पास घी का है। इस पुलाव को आप घी में पकाएंगे तो ये और भी ज्यादा जबरदस्त और शानदार सा बन के तैयार होगा। यहाँ पे घी बहुत अच्छी तरह से गर्म हो चुका हुआ है, अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 मीडियम साइज के प्याज थे जिसे हमने रफली काट लिया हुआ है, वो हम इसमें ऐड करेंगे। प्याज को ऐड करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 बड़ी इलायचियां हमारे पास, और 1 टेबलस्पून हमारे पास साबुत जीरा है, वो हम इसमें ऐड करेंगे। अगर आप इसमें दालचीनी और बाकी के खड़े मसाले ऐड कर देंगे तो ये काबली पुलाव नहीं रहेगा, सिर्फ ये 2 ही खड़े मसाले इसमें जाएंगे। ठीक हो गया। इन प्याजों को यहाँ पर हमने बहुत लाइट सा कलर लेके आना है, गैस का फ्लेम यहाँ पे मीडियम करके इसमें एक खूबसूरत सा गोल्डन कलर ले आते हैं। ये देखिए यहाँ पर माशाल्लाह से प्याज में लाइट ब्राउन सा कलर आने लग चुका है, और अब हम इसमें ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून हमारे पास अदरक और लहसुन का पेस्ट है, वो हम इसमें ऐड करेंगे। ये बेसिकली इसीलिए इसमें डाला जाएगा ताकि बीफ की जो मखसूस स्मेल होती है उसको ये खत्म कर सके। इस अदरक लहसुन की भी 1 से 1.5 मिनट हम यहाँ पे इस प्याज के साथ भुनाई कर लेंगे, और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे ये बीफ का गोश्त है हमारे पास, इसको हमने बहुत अच्छी तरह से वॉश कर लिया हुआ है, और इसकी यहाँ पर हम भुनाई करेंगे मीडियम फ्लेम पे। यहाँ पर आप माशाल्लाह से देख सकते हैं बीफ का जो गोश्त है वो कलर चेंज करने लग चुका है, और आप देख सकते हैं गोश्त की बोटियों का साइज, जो काबली पुलाव है इसमें गोश्त की बोटियों का साइज जो है वो यही होता है बड़ा बड़ा। ठीक है, इसे यहाँ पर हम 5 से 6 मिनट मीडियम फ्लेम पे अच्छे तरीके से भून लेते हैं। ये जी यहाँ पर माशाल्लाह से इस गोश्त को भूनते हुए हो चुके हुए हैं तकरीबन 6 से 7 मिनट, और अब हमने इस गोश्त को यहाँ पे गलाना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 4 से 5 कप हमारे पास ये पानी है, 250 ml के लगभग कप है, और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून हमारे पास नमक है। नमक आपने बहुत ज्यादा नहीं ऐड कर देना क्योंकि बीफ जो होता है वो ऑलरेडी नमकीन होता है, सिवाय नमक के इसमें और कोई स्पाइसेस नहीं जाएगा। ठीक है, और अब हम यहाँ पर इसे कवर कर देते हैं मीडियम फ्लेम पे तकरीबन 40 से 45 मिनट के लिए। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप लोग इसे प्रेशर कुकर में डाल के तकरीबन 20 मिनट के लिए कवर करके रख दीजिएगा, आपका टाइम भी सेव हो जाएगा और गोश्त भी बहुत जबरदस्त सा गल जाएगा। इतनी देर में गोश्त हमारा गलता है, हम इस पुलाव की टॉपिंग तैयार कर लेते हैं। टॉपिंग तैयार करने के लिए यहाँ पर हम सबसे पहले गैस पे रखेंगे 1 अदद पैन, और इसमें हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून हमारे पास घी है, आप कुकिंग ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। घी जो है वो यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से गर्म हो चुका हुआ है, गैस का फ्लेम हम बिल्कुल लो कर देते हैं, और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप के बराबर हमारे पास ये गाजर है। आपके पास कोई सी भी गाजर है आप वो यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप ऑरेंज वाली ही लें। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 20 से 25 अदद बादाम है जिनका हमने छिलका जो है वो रिमूव कर दिया हुआ था। तकरीबन इन बादाम को 20 से 25 मिनट हमने गर्म पानी में भिगो के रखा था और बाद में इसका छिलका जो है वो रिमूव कर दिया हुआ था। बादाम को ऐड करने के बाद साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे ये किशमिश है हमारे पास 2 तरह की, तकरीबन 3 टेबलस्पून हम इसमें किशमिश ऐड करेंगे। आपके पास ब्लैक वाली नहीं है तो आप ये व्हाइट वाली यूज कर लीजिएगा, कोई मसला नहीं है। यहाँ पर गैस का फ्लेम बिल्कुल लो है, इसे 2 से 3 मिनट हम सिर्फ फ्राई करेंगे।
ताकि गाजर जो है वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। ये लें जी, यहाँ पर आप माशाल्लाह से देखिए गाजरों को तकरीबन बिल्कुल लो फ्लेम पे 2 से 3 मिनट हमने अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया है और आप देख सकते हैं ये माशाल्लाह से काफी सॉफ्ट भी हो चुकी हैं। इसको बहुत ज्यादा नहीं आपने सॉफ्ट कर देना, अभी इसने दम में जाके मजीद सॉफ्ट होना है। गैस का फ्लेम यहाँ पर हम ऑफ कर देंगे और इसे हम किसी बर्तन में निकाल लेंगे। ये लें जी, यहाँ पर इसे मीडियम फ्लेम पे कवर किए हुए हो चुके हुए हैं पूरे 45 मिनट और अब हम इसे खोल के चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह से गोश्त जो है हमारा वो बड़ा जबरदस्त सा गल चुका हुआ है। इसमें ये जो एक्स्ट्रा पानी आपको नजर आ रहा है इस पानी को हम निकाल लेते हैं। पानी हमने इसमें से सारा निकाल दिया हुआ है और अब हम इसमें ऐड करेंगे ये 1/2 टीस्पून हमारे पास काली मिर्च का पाउडर है वो हम इसमें ऐड करेंगे और यहाँ पर इस बीफ की हम तकरीबन 2 से 3 मिनट मीडियम फ्लेम पे अच्छे तरीके से भुनाई कर लेंगे। ये लें जी, यहाँ पर गोश्त जो है वो बड़ा जबरदस्त सा भुन चुका हुआ है और अब हम इसमें ये यखनी ऐड कर देंगे जो हमने निकाल के रखी हुई थी। तकरीबन 3 गिलास के करीब ये यखनी है, इसका हमने मेजरमेंट कर लिया हुआ है। 2 गिलास चावल है, 3 गिलास इसमें यखनी के जाएंगे। यखनी को यहाँ पर हमने ऐड कर दिया हुआ है और अब हम यहाँ पर इसे कवर कर देंगे मीडियम फ्लेम पे ताकि जबरदस्त सा उबाल आ जाए। ये लें जी, यहाँ पर पानी में उबाल आने लग चुका है और अब हम इसमें चावल ऐड कर देंगे। चावलों को यहाँ पर हमने तकरीबन 30 से 45 मिनट पहले हमने इसको अच्छी तरह से भिगो के रख दिया हुआ था। चावल आप जब भी पकाएं इसको आधा घंटे पहले भिगो के रखिएगा, इससे चावल जो है वो बहुत ही खड़े खड़े से और निखरे निखरे से बनते हैं। ठीक है, चावलों को डालने के बाद इसे बिल्कुल हल्के हाथों से आपने मिक्स करना है और गैस का फ्लेम यहाँ पर मीडियम करके आप इन चावलों के पानी को बहुत अच्छी तरह से खुश्क कर लीजिएगा। इसे मैं यहाँ पर कवर कर दूंगी ताकि पानी जो है वो जबरदस्त सा खुश्क हो जाए और इस पॉइंट पे आप लोग चावलों के नमक को चेक कर सकते हैं। इसी पॉइंट पे ही आके पता चलता है कि चावलों में नमक कम तो नहीं है, अगर कम हो तो आप मजीद ऐड कर सकते हैं। ये लें जी, यहाँ पर आप देखिए माशाल्लाह से चावलों का जो पानी है वो बहुत जबरदस्त सा खुश्क हो रहा है। अभी आप देख सकते हैं इसमें थोड़ा थोड़ा सा अभी पानी मौजूद है, आप लोगों ने इसे भी बहुत अच्छी तरह से खुश्क कर लेना है और यहाँ पे आपने चम्मच बिल्कुल हल्के हाथों चलाना है। ठीक है, चावलों की यहाँ पे जो हालत है वो थोड़ी सी नाजुक हुई हुई होती है तो इसलिए आप लोग चम्मच जो है वो थोड़ा आहिस्ता चलाइएगा। ये लें जी, माशाल्लाह से आप देखिए चावलों का जो पानी है वो बहुत जबरदस्त सा खुश्क हो चुका हुआ है और इस पॉइंट पर आकर हम इसमें ये गाजर और बादाम और किशमिश ऐड कर देंगे जिनको हमने फ्राई करके रखा हुआ था। अच्छी तरह से आपने इन्हें चावलों पे फैला देना है। गैस का फ्लेम यहाँ पे बिल्कुल लो करेंगे और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे ये 1 टीस्पून हमारे पास गरम मसाला है। और इसे यहाँ पर हम सबसे पहले रूमाल से कवर करेंगे ताकि इसकी स्टीम जो है वो कहीं से भी ना निकल सके। ठीक है, और इसे अब यहाँ पे ढक्कन से कवर करेंगे। यहाँ पे गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखिएगा, मिलते हैं 7 से 8 मिनट के बाद ताकि इसे जबरदस्त सा दम आ जाए। आप लोगों ने जाना बिल्कुल भी कहीं नहीं है, हमारे साथ साथ जुड़े रहना है। ये लें जी, यहाँ पर हो चुके हुए हैं, इसे 5 से 7 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम पे कवर किए हुए और अब हम इसे खोल के चेक कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले इसके ऊपर से हम ये रूमाल हटाएंगे तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह से काबली पुलाव जो है वो बड़ा जबरदस्त सा बन के रेडी हो चुका हुआ है। फाइनल लुक की तरफ चलते हैं, फाइनल लुक को आपने मिस बिल्कुल भी नहीं करना है। तो ये लीजिए माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही शानदार काबली पुलाव की जो रेसिपी है वो बन के रेडी हो चुकी है। आपको यहाँ पर इसका अलग अलग और खिला खिला दाना नजर आ रहा होगा, इसके अंदर गाजर और किशमिश की जो स्वीटनेस आएगी वो बड़ी ही लाजवाब सी लगेगी। मुझे उम्मीद है आपको ये काबली पुलाव की वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको काबली पुलाव की वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आप मेरे चैनल सुभान फूड सीक्रेट पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, जरूर आप इसे ट्राई करिएगा। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आपको ये काबली पुलाव की रेसिपी कैसी लगी है। मिलती हूँ आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक रखना है आपने अपना ढेर सारा ख्याल, दुआओं में मुझे याद रखना है। हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, यूं ही आप हमारे साथ साथ रहिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर करें। मिलती हूँ आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को करती हूँ अल्लाह हाफिज़।